अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अपने ओप्पो F15 का पासवर्ड कैसे रीसेट करते हैं। तो चलिए हम गलत पासवर्ड ट्राई करके देखते हैं। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं और ये हमने पासवर्ड जो है गलत लगा लिया, ये हमसे रीसेट नहीं हो रहा। अब हम इसको रीसेट करने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी देर से। मुनीब भाई भी मेरे साथ बैठे हुए हैं जो कि इस चैनल के असल में क्या है, मालिक हैं, हकदार हैं। चले हाँ। हर होने वाले काम के आपने मिलाना है *#899#, उसके बाद ये आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। आपने इसके अंदर जाना है, घबराना नहीं है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है खुद। ठीक है, अभी हम देखते हैं वन बाई वन हमें करना क्या। अच्छा, तो हम स्टेप बाई स्टेप इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने कैसे कैसे खुद इसको किया, मैनुअल सेटिंग में जा रहे हैं, बैक आ गया नहीं, हमने ये मैनुअल टेस्ट में जाना है, मैनुअल टेस्ट में जाना है हमने। उसके बाद ये अदर्स में लास्ट ऑप्शन है, अदर की हमारे पास अवेलेबल है। 3-4 बार हमने यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद हमारे पास रीड एंड राइट के ऑप्शन है, यहाँ से हमने आगे ओके पे क्लिक कर देना है और फिर से हमने बैक आ जाना है। हाँ, तो बैक आना है। अब इसको जिस तरह बंद करने की कोशिश करनी है ना, ये देखें फोन बंद करना है, रीस्टार्ट करना है। हाँ जी, अब हमने यहाँ पे फोन जो है अपना वो रीस्टार्ट करना है, और रीस्टार्ट नहीं, हमने शट डाउन कर देना है। हाँ, हमने फोन को शट डाउन कर देना, फोन हमारा शट डाउन हो गया। इसके बाद आगे हमने ये करना है कि वॉल्यूम डाउन और जो पावर की है उसको हमने इकट्ठे लॉन्ग प्रेस करना है कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद हमारा जो फोन होगा वो रीस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं क्या करता है हमारा फोन। ठीक है जी, तब तक मुनीब भाई आप बताएं कैसे हैं। मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं कैसे ठीक है। काफी दिनों बाद हमारी मुलाकात। आपको कितना दुख हुआ वैसे जब आपका मोबाइल ऐसे बंद हो गया, आपको अफसोस तो हुआ होगा। मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। आपकी फीलिंग किस तरह की है, आप अपनी फीलिंग बताएं। मेरी फीलिंग ऐसी है जैसे इस वक्त ना इस वीडियो देखने वाले की फीलिंग है। हम लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे जिनमें हम सेकंड वाली ऑप्शन वाइप डाटा में जाएंगे। वाइप डाटा में और इसके बाद हम फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल पासवर्ड होगा स्क्रीन पे, उसे हम यहाँ पे लगा देंगे। तो उसके बाद फॉर्मेट कर देंगे। ये मेरा सारा दिल पे पत्थर रख के, दिल पे पत्थर रखा है मैंने। अच्छे वाला उड़ गया आपका, आपकी हर चीज उड़ गई है। ठीक है, ये मेरा मोहब्बत का तकाजा है कि मैं फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि भाई आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, बड़े भाई ने, छोटे ने, या मतलब दरमियान वाले ने, जो भी है। तो मेरा सारा डाटा उड़ रहा है और आप लोग बड़ी तसल्ली से बैठे देख रहे हैं इस टाइम पे। नहीं, ओके नहीं करना, अच्छे से देखने से ना इनको। दुख बर्दाश्त करने दो जरा, ओके करते हैं इसको। अब ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा, ये तो ओके करने के बाद। हाँ, ये रीस्टार्ट होने लग गया। और इस टाइम पे जो मेरी फीलिंग है ना, ये बस वीडियो देखने वाला समझ सकता है। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो वीडियो को जरा फास्ट करते हैं। हाँ, ये देखिए, अब हम रीस्टार्ट होने के बाद मैनुअल सेटअप करना है, जैसे हम न्यू फोन लेते वक्त इंग्लिश चूज की है, यहाँ से यूएस इंग्लिश जो भी है वो लैंग्वेज, वो सिंपल मैनुअल सेटअप करना है ना हमने, वो टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, फोन जैसे नया आता है अपने वैसे इसको ओके करना है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसमें एक चीज बात जो है वो याद रखने वाली है कस्टमर के लिए, सॉरी व्यूअर्स के लिए, के उसमें आपको ईमेल एड्रेस आपने जो पहले था वही देना पड़ेगा आपको। हाँ, अगर आपने ईमेल एड्रेस चेंज करना है तो आपका फोन दोबारा से सॉफ्टवेयर करवाना पड़ेगा ना फिर। नहीं, तो नहीं, मैनुअल सेटअप नहीं होगा ना उसके बाद। हाँ, पता नहीं सॉफ्टवेयर होता है या नहीं होता, ये हमने ट्राई नहीं किया अभी। इसको ये पासवर्ड इधर चले गए, इसको बैग जाते हैं, इस तरह नहीं, हमें तो पासवर्ड पता ही नहीं है ना, तो हम बैग जाएंगे। हमें ईमेल एड्रेस पता होता तो खोल ना लेते। हाँ बिल्कुल, तो हम इसको कैंसिल करते हैं, उसके बाद हम दोबारा से जो है ईमेल एड्रेस ऐड करते हैं। ये हमें ईमेल के पास ले गया, हम यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस ऐड करते हैं जो हमारा पहले से था। मैं अपने प्यारे प्यारे हाथों से ईमेल एड्रेस लिख रहा हूँ, और इसके बाद देखिएगा पासवर्ड लगाते वक्त ना मोबाइल साइड पे कर लेना, मैं पहले कह रहा हूँ। हाँ, एक सेकंड, दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए कि हम कारनामा करने वाले लोग कौन है। पासवर्ड लगाने दे जरा, एक दफा लगा लिया इसको, नेक्स्ट किया हमने जी। तो अब इसको मैनुअली हमने जैसा ये मेन करके, जो जैसे जैसे हम इसको ओके करते जाएंगे, गेटिंग इनटू अकाउंट, हमें तो आज सारा दिन लग गया इसको रीसेट करते हुए।
जी आधा दिन तो सोचने में लग गया ना कि पासवर्ड लगाया क्या तो। हाँ आधा दिन पासवर्ड सोचने में लगा। कंटिन्यू सेटअप, जस्ट अ सेकेंड चेकिंग, ओके। इसको स्किप कर देना आपने, SIMN करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी मैनुअल सेटिंग्स है जो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। हाँ, ये तो हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसे हमने अपने फोन को चलाना है, यूज करना है। ओके गूगल, थैंक यू गूगल। ओके गूगल, ओके गूगल। हाँ ये मुनीर भाई, आप मेरे मोबाइल पे अपनी वॉइस ऐड कर रहे थे तो अभी मेरा गूगल असिस्टेंट है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई है, इसको हम स्किप करते हैं। मेरी ही आवाज पसंद है और हम कोई लॉग नहीं लगाए के, बिल्कुल कोई लॉग पासवर्ड हमने कोई नहीं लगाया, हम वैसे ही इसको ओपन रखेंगे बिल्कुल ऐसा ही। जी ये रेकमेंड कर रहा है, हमने इसीलिए इसको ओके रहने दिया। और उसके बाद हमने इंपोर्ट डाटा कहाँ से करना है, हमारे पास डाटा है ही नहीं अब, डाटा गया हमारा। ये देखिए वेलकम कर रहा है फोन। चले जी, वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अल्लाह हाफिज़।